बारिश शुरू होते ही ग्राम पंचायत का विकास सामने आने लगता है, जहां पानी निकासी एवं सड़क व्यवस्थाओं के लिए लाखों रुपए का व्यय करके विकास की बात की जाती है। वही कुछ ऐसी ग्राम पंचायतें हैं जहां 40% से ज्यादा आबादी होने के बावजूद भी आज भी 5 दशकों से लोग सड़क के लिए जद्दोजहद करते नजर आ रहे हैं। मामला जनपद पंचायत हटा का है, जहां लगातार सुर्खियों में बनी रहने वाली मदियादू ग्राम पंचायत में वार्ड नंबर 12, 13 और 14, जिसमें ना तो अभी तक कोई मुरम्मतीकरण हुआ है ना ही कोई सीसी सड़क बनाई गई है। जागरूक ग्रामीणों ने विगत वर्षों में पंचायत स्तर पर मांग की और माननीय कलेक्टर जी को 2 वर्ष पूर्व आवेदन दिया था, जिसमें कोई भी कार्यवाही नहीं हुई है। ग्रामीणों के आरोप है कि जैसे कोई महिला को डिलीवरी होती है तो 108 की सुविधा नहीं मिल पाती है, क्योंकि रास्ते सही नहीं है और कई बार विपरीत परिस्थितियों में बड़ी मुश्किल से महिला को रोड तक लाना पड़ता है। रास्ते में जाते समय लगभग लोग 2-2 फुट तक कीचड़ में फंस जाते हैं और पैदल निकल नहीं पाते। पानी गिरता है तो घर से बाहर निकलना बहुत मुश्किल हो जाता है। इन्हीं मांगों को लेकर तीनों वार्डों के ग्रामीण इकट्ठे होकर मदियादू थाने का घेराव किया एवं कलेक्टर महोदय के नाम पर ज्ञापन सौंपा। ग्रामीणों में ऋतिक दहिया, प्रकाश कुशवाहा, हरिचंद कुशवाहा पोटन, कुद्दू, सुरेश कोमल, दशरथ पूरन, हरप्रसाद के साथ 2 दर्जनों से अधिक लोगों की उपस्थिति रही। YMS News 24 से ब्यूरो चीफ KD जैन के साथ रूप सिंह लोधी, कैमरामैन की खास खबर। पुराने भराज रहे भत्ता की राख डाल दी जाए तो और मच्छी और है हम बतावे जहाँ ना मच्छी सो तो और मच्छी तरंगा बड़ा संग्रहण से वो 1800-1100 गिर रहे हैं वो घबरा रहे हैं। यहाँ कितने साल से कीचड़ कम से कम 20 साल से है। तो इन डॉक्टर ने भर करवाई जब मान माटी डरवाई थी और बाकी बिल्कुल 20 साल से इस तरंगा बस टिक्कर जानते हैं। अभी आप लोगों ने मांग नहीं की? मांग की है, सुनते नहीं को पुरानी भरा जाओ थे तो तंदन डाल दे थे। क्या समस्या है आप लोगों की? अरे यहाँ पर कीचड़ मचा है बहुत ज्यादा, दलदल 4-5 फुट के धस जाते हैं, हम लोग घर नहीं पहुँच पाते हैं। और 11, 12, 13, 14, 15 वार्ड मतलब ये बहुत ज्यादा की दलदल है इनमें। आप लोगों ने कभी शिकायत नहीं की क्या? शिकायत की है लेकिन कोई सुनवाई नहीं होती है। कब से शिकायत करते आ रहे हैं आप लोग? 2 साल से शिकायत चल रही है जी। तो अभी इसमें काम हुआ लेकिन उसमें मिट्टी डली। दमो भी एक बार देके आए थे आवेदन है, अरे इसका काम निराकरण हो, इसलिए हम लोग घेराव, इसलिए थाने का घेराव किया था। और बैरियल पर अब चक्का जाम किया जाएगा गुरुवार के दिन, कोई वाहन आहन नहीं निकला जाएगा। समाज के ग्राम मर्यादों में समस्त लोग एकत्रित इसलिए हुए हैं और हम लोग निश्चित रूप से थाने का घेरा इसलिए किया है कि आज हम देख रहे हैं कि ये वार्ड नंबर 12, 13 और 14, 15, 16 सभी वार्डों में इस प्रकार का कीचड़ नहीं, अब तो इसको हम दलदल कहेंगे। यदि हम बस स्टैंड से यदि किसी के घर पर जाने में लगभग हम 2 या 3 फुट गप जाते हैं और किसी आपातकालीन कोई भी समस्या आती है, जैसे कोई महिलाएं होती हैं, गर्भवती महिलाएं हैं, कोई डिलीवरी होती है, कोई बीमार होता है, तो हम लोग निश्चित रूप से उसमें पूर्ण रूप से असहमत रहते हैं। हम अस्पताल तक नहीं जा पाते हैं किसी काम से। क्या चाहते हैं आप लोग? हम लोग यही चाहते हैं कि आज ये हम लोगों की ये वार्ड नंबर 12, 13, 14, 15, 16 की जो रास्ता है इसमें बहुत ज़्यादा कीचड़ है, दलदल है, तो इसको निश्चित रूप से यहाँ का ये मुरम्मतीकरण या सीसी रोड बनाया जाए। कब से समस्या है आपको ये? सर समस्या बहुत समय से है। आपने इससे पहले कुछ मांग की क्या? जी सर, इसको मांग की तो मुरम्मतीकरण की मांग की थी सर, तो उसमें मुरम्मतीकरण नहीं हुआ। इसमें कुछ व्यवस्थाओं में वो चचरा डाला गया एवं इसमें जो वार्ड नंबर 12 है इस रास्ते में अभी कुछ नहीं हुआ सर। करीबन 400-500 कुशवाहा परिवार के सभी लोग इकट्ठे यहाँ पे हुए हैं, जो यहाँ पे मुंडी सुराई से भूलन माता तक और रास्ताएं हैं जो और अन्य भी हैं, छोटी शहर कहलाती है, 1-2 शहर और हैं जो कीचड़ के दिनों में काफ़ी बरसात के दिनों में काफ़ी कीचड़ रहता है इनमें, जिनसे आवागमन में दिक्कत आती है। और कई बार तो ये हुआ कि कोई गर्भवती महिला है और उनके तो 108 भी नहीं जा पाती वहाँ पर और उनको कई बार कंधों पर लाना पड़ता है। यहाँ की सड़कें दलदल बन गई हैं, यहाँ पे सड़कें हैं ही नहीं, बनी नहीं है सड़कें कभी, तो कच्ची मिट्टी हुई है। हाँ कच्ची मिट्टी है। क्या चाहते हैं आप लोग? थाने का घेराव क्यों किया? हम लोगों ने थाने का घेराव किया कि हम इसलिए किया कि हम लोगों की परेशानी का निराकरण किया जाए। यदि निराकरण नहीं किया जाता है तो निश्चित तौर पर 1-2 दिन के अंदर हम लोग चक्का जाम करेंगे।